श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 10। पश्योत्पातात् रभ्याग्र दिव्यान भौमान सहधिकान दारुणानं संसतो दूरा अभयम् नो बुद्धिमोहन। पश्योत्पातान् रभ्याग्र दिव्यान भौमान सहधिकान दारुणानं संसतो दूरा अभयम् नो बुद्धिमोहन। हरे कृष्ण रिपीट। चलो हरे कृष्णा, कोई दोहरा ना चाहता है इसको। ओके, तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, कल हमने देखा कि चाहे वो राजसी ठाट बाट हो, चाहे अच्छी पत्नी हो, चाहे जीवन हो, चाहे संतान हो, चाहे प्रजा के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, या शत्रुओं पर विजय करना हो, या हमें ऊंचे लोकों में निवास करना हो, तो ये सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने कहा। और ये सब हम पर उनकी अहतु की कृपा के कारण है। आज युधिष्ठिर महाराज आगे कह रहे हैं, हे नरव्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारे बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखो कि जो दैवीय प्रभाव हैं और पृथ्वी की जो प्रतिक्रियाएं हैं, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, अन्न की कमी हो जाना, ये सब पृथ्वी की प्रतिक्रियाएं हैं, भूकंप आ जाना, और शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारे बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रहे। तो उन्होंने देखा जैसे आजकल थोड़ा सा भी काम कर लो तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है। तो इस बुखार के कारण फिजिकली तो हम दर्द में रहते ही हैं, लेकिन मेंटली भी हम डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखो ये सब आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा है, उस खतरे की सूचना दे रहे हैं सब जो भी संकेत है। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है तीन प्रकार की आपदाओं की प्रकृति, जो देवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। तो तीन तरह की विपत्तियां हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आदि देविक वो हैं जो देवता लोग नाराज होकर के हमारे ऊपर विपदाएं लाते हैं, वो आदि देविक है। आदि भौतिक वो है जो कोई अन्य जीव हमें कष्ट देता है, जैसे पृथ्वी के कारण, और आदि आध्यात्मिक हमारे मन के कारण जो हमें कष्ट मिलता है वो आदि आध्यात्मिक है। तो नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा तथा इनके बाद के प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सबका सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। जब भी कोई आपदा आती है उस आपदा के दो रिजल्ट है, एक तो शारीरिक क्लेश और दूसरा मानसिक क्लेश। तो मानवकृत भौतिक विज्ञान इन तीन आपदाओं की प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया के द्वारा दिए जाने वाले दंड है। अतएव भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन तीनों प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी स्वयं की योजनाएं बनाते हैं, अतएव वे हर बार असफल होते हैं। तो जो तीन तरह के कष्ट हैं, इन तीन तरह के कष्टों का निवारण हम अपनी योजनाओं से नहीं कर सकते, भगवान के आशीर्वाद से ही इन योजनाओं का विनष्टीकरण हो सकता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि तीन गुणों के प्रबंधनकारी प्रभावों से
भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी भी नहीं जीता जा सकता है। इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। मान लिया कोई बीमार हो गया, बीमार होकर उसने दवाई करके ठीक हो गया, क्या वो फिर से बीमार नहीं होगा? अवश्य फिर से बीमार होगा, फिर दवाई करेगा। परमानेंट सॉल्यूशन इसका कोई है नहीं, इसीलिए केवल भगवान की शरणागति से हम इसको मानसिक रूप से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो कलम पढ़ेंगे कि मेरा शरीर का बाया भाग, मेरी जांघें, मेरी भुजाएं, आंखें बार बार भड़क रही, युधिष्ठिर महाराज कह रहे, और भय से मेरा हृदय घबरा रहा है, ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। कभी कभी बाया आंख भड़कता है तो आंख भड़कने से पता चलता है कि हाँ भाई कुछ होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे हैं। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो मंगला आरती गाइए, आप में से कोई भी भक्त मंगला आरती गाइए और आगे प्रोग्राम करेंगे। हरे कृष्ण।